हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह का दिन था, ऑब्वियसली दिन सुबह में ही होता है, और मैं उठी थी। उठने के बाद मैंने जो है बाहर गई थी बालकनी में, और मैंने एकदम वेदर को किया था एंजॉय। आई किचन में, भिंडी दी थी छौंक, वो गल रही थी। साइड बाय साइड में प्रिपेयर कर रही थी ब्रेकफास्ट। उसमें ब्रेकफास्ट में कुछ खास तो था नहीं, बस ब्रेड और बटर था और साथ में चाय, जो पापा ने खा के जाना था। और लेके उन्होंने जाना था कर्ड भिंडी, दैट्स द लेडी फिंगर, और ये है रोटी चपातियाँ जो बनती हैं फॉर लंच, जो पापा ने लेके जाना था। रोटी मैं कोशिश कर रही थी यहाँ पे गोल गोल आएँ। ये जो मम्मा की जॉब्स हैं सारी मेरे को करनी पड़ती हैं जब वो चली जाती हैं, क्योंकि पापा बाहर का खाना नहीं खाते, उनका पेट थोड़ा गड़बड़ा जाता है, और ये मतलब सही भी नहीं है बाहर का। तो और जब मैं कर सकती हूँ तो वाई नॉट कि मैं खुद करूँ। और ये मैं पूरी फूली हुई रोटी जो है मेरी बन के तैयार हुई थी, मेरे को बड़ा मज़ा आया। और ये मैंने फ्लेक्स भी करा इस चीज़ का कि मैं बना सकती हूँ। और मतलब अच्छा था, जब आटा अच्छा नीड हुआ हुआ हो, गुथा हुआ अच्छे से हो, तो फिर रोटी अच्छी बनती है। और लकीली उस दिन अच्छी बनी थी, और फिर मैं गई लड्डू गोपाल जी के पास। थी कलश यात्रा, यहाँ पे शिव पुराण लेकर जा रहे थे वो। कुटिया यानी कि जो एक मंदिर होता है वहाँ पे कुछ तो भी ये चल रहा था, बस मेरे को इतनी नॉलेज थी। तो वो ढोल के साथ लेके जा रहे थे, तो बड़ा मज़ा आ रहा था देखने में। फिर मैं अंदर आई, जब मैं लड्डू गोपाल जी के पहले कब वस्त्र वगैरह निकाल गई थी, यहाँ पे मैंने आके उनको नहलाया, उनको भोग लगाया बनाना का। और फिर जो ये पानी होता है ना, ये जो उनका स्नान करा हुआ होता है, ये हम तुलसा जी में दे देते हैं। और यहाँ पे मैं गलती से जो रोज़ का पेड़ था उसको तुलसा जी का पौधा समझ के दे रही थी, बट फिर मैंने रियलाइज़ करा नहीं है, वो नहीं है। और ये देखो, ये मेरा फेवरेट वाला है बिल्कुल। फिर मैं आई अंदर, और वो जो था बर्तन उसको मैंने फटाफट से वॉश करके रख दिया था, पानी उसका नीचे जाने के लिए थोड़ा सा गीला था क्योंकि, बट मैंने वो रखा सूखे बर्तनों पे ही था, एंड आई रियलाइज्ड इट लेटर कि मैंने उसको सूखे से रख दिया। हमारे लड्डू गोपाल जी हैं डाइट पे, तो इसलिए उनको लगेगा एप्पल का भोग बनाना का हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, बट ज़रा पसंद है हमारे लड्डू गोपाल जी को एप्पल, तो हम वो भी दे देते हैं। ठीक है, मस्त एकदम पतले पतले पीसेस कट कर दिए हैं, और ये जो है हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं बाहर, है ना। और ये क्लिप है शाम का, यहाँ पे मैं आलू और प्याज जो है लेके आई थी क्योंकि मेरे को बनाना था पुलाव, और उसमें मैं सोयाबीन के बिना मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने वो भी जो है लेके आके उसको पानी में भिगो दिया था। फटाफट से चॉप करी थी अपना आलू प्याज, उसमें डाला। प्याज में ही ना मैं तड़के में एक साथ डाल देती हूँ, कोई कोई पहले जीरा डालता है फिर एक स्टेप बाय स्टेप, मैं तड़के में ही ये तेज़पत्ता, लौंग, जो काली मिर्च होती है, जो हींग, जीरा और प्याज, मैं सब कुछ इकट्ठा ही डाल देती हूँ। और अचानक मैंने देखा धुआं धुआं सा, मैंने कही आग सी लगी है, फटाफट से किचन से बाहर आके देखा, तो मैंने कहा अच्छा है, तो वो मशीन है, इवन आवाज़ भी आ रही थी मशीन की घूं घूं करके, बट एकदम से माइंड में क्लिक नहीं हुआ।
तो फिर मैं वापस अंदर आ गई। मैंने कहा चलो छोड़ो, पहले हम बचपन में जब छोटे छोटे होते थे, मतलब छोटे बचपन में ही होते थे, तो हम इसमें ना डांस करते थे। और एक बार तो किसी की स्कूटी भी चोरी हो गई थी इसी धुएं में हमारे पड़ोस में। बट एनीवेज, खैर मैं अंदर आई तो मैंने यहाँ पे ऑयल चढ़ा दिया था उसमें कुकर में, और इसमें डाला था हरी मिर्च और जो वो प्याज और वो सब था ना, जो भी छोटा छोटा था तड़के में जो यूज़ होता है, तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग, प्याज, जीरा, हींग सब डाल दिया था विद हरी मिर्च। इस ऑयल को थोड़ा मतलब गर्म होने दिया क्योंकि सरसों का तेल था, तो वो थोड़ा सा गर्म हो जाए तो बेटर लगता है, वरना वो कच्चे तेल की स्मेल आती है। और ये थी सोयाबीन, ये फूल गई थी तो इनको ना निचोड़ के जो है उसमें डालना पड़ता है। एक जब मैंने एक बारी पहले से बहुत पहले स्टार्टिंग में बनाए थे ना, मेरे को अक्ल नहीं थी कि इसे निचोड़ना भी पड़ता, हमने ऐसे ही डाल दी थी तो अजीब सी गिलगिली सी वो हो गई थी पता नहीं। बट फिर मैंने मम्मी से पूछा था तो उन्होंने बताया था ये निचोड़नी पड़ती हैं। फिर खैर ये यहाँ पे तड़का लग गया था, तो वो तड़का जो है स्टिर कर रही थी मैं, क्या बोलते हैं उसको, चलाना। और फिर जब ये सब हो गया, इसमें मैंने डाले थे आलू, टमाटर मैं पहले पहले डाल देती थी तो खट्टा खट्टापना आ जाता था, खटास, तो इसलिए टमाटर लास्ट में डालना होता है। मैंने कहीं तो भी देखा था, किसी तो भी शेफ़ ने बोली थी ये चीज़। खैर उसके बाद इसमें मसाले अपने स्वाद अनुसार, मैंने सिर्फ दो तीन मसाले डाले थे, उसे हरे धनिया, मिर्च और हल्दी। और यहाँ पे कुकर बिल्कुल भर गया था, और क्योंकि सोयाबीन भी डाल दी थी, मेरा भाई कहता चावल की तो जगह ही नहीं बची दी थी, बट ठीक है हो जाता है एडजस्ट। फिर नमक डाल के फाइनल, और ये मैंने पूरा कंटिन्यू मेरा तैयार हो गया था पुलाव। ये थी मेरे पुलाव की रेसिपी, जो मतलब इतनी कोई खास या बड़ी कोई डिश तो नहीं है, बट ये है कि कंफर्ट फूड है बहुत ज़्यादा। कभी भी कोई भी कैसे भी नौसिखिया हो गया या कभी भी कोई भी बना सकता है इसको। इट्स लाइक ये वाली जो बेसिक चीज़ें होती हैं घर में सबके अवेलेबल होती ही हैं, और अगर नहीं भी होती तो एक सिंपल जीरा वगैरह डाल के, आलू प्याज तो होता ही है, दो चीज़ें तो रहती ही हैं सबके घर में, तो एक बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो मेरा बहुत ज़्यादा कंफर्ट फूड है, एकदम आराम से गुड टू गो फूड। कभी भी मैं इसको सुबह, दोपहर, शाम तीनों में से किसी भी मील में ले सकती हूँ, इट्स लाइक दैट। तो मेरे को पर्सनली पसंद था, एंड दिस वॉज माई वे टू मेक पुलाव। आई होप यू लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर।